अब हम आपको दिखाने वाले हैं जापान के अंदर सेकेंड हैंड शॉप, जो लोग अपने घरों का सामान पुराना या नया इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर वो सेकेंड हैंड शॉपों में बेच देते हैं। ये शॉप है, इसके अंदर अब हम आपको लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना सेकेंड हैंड शॉप है, लेकिन ये सामान पुराना ज़रूर है लेकिन इस्तेमाल शुदा नहीं है, तो ये बहुत कम कीमत के ऊपर जो है बेच देते हैं। पुराना ज़रूर है लेकिन इस्तेमाल शुदा नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम भी होते हैं, जैसे अब ये टीवी है, ये सारे पुराने हैं, यूज्ड हैं, लेकिन जो है अच्छी जो है ना अपना हालत में होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह छोटा जापानी बच्चा है, ये देखिए प्रोजेक्टर भी हैं यहाँ रखे हुए। ये सारा सामान पुराना है लेकिन बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा है, इस्तेमाल शुदा नहीं है लेकिन ये पुराने में दिखता है ना, तो कीमत जो है ना आधे से भी आधी हो जाती है ना, बहुत कम प्राइस में बेचते हैं। ये चूल्हे हैं घरों के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, चूल्हे जो होते हैं, और इस तरफ आप देखेंगे तो फ्रिज हैं, ये सारे फ्रिज हैं। ये लेडीज बैग हैं सारे, आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन है सारी। कपड़े भी होते हैं, घड़ियां वगैरह भी होती हैं। फर्नीचर भी होता है इधर, फर्नीचर भी आप देख सकते हैं।
देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत जो है ना अलमारियाँ हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत ही कम कीमत लगी हुई हैं, बहुत सस्ती सस्ती हैं। जैसा कि अब आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी और खूबसूरत अलमारी है। सोफ़े वगैरह भी होते हैं, सोफ़े भी जो है आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत सोफ़े हैं। लोग यहाँ से ख़रीद के भी लेकर जाते हैं और अपना जो है अपने घर की जो चीज़ें ज़रूरत की नहीं होती हैं उनको बेच भी जाते हैं। इस तरफ अगर हम जाएंगे तो इस तरफ जो है लेडीज़ और जेंट्स के कपड़ों की जो है ना जगह होती है, कपड़े भी मिलते हैं पुराने, नए भी होते हैं, पुराने भी होते हैं, यूज़ वाले भी होते हैं, मिक्स ही होते हैं ना। देखें यहाँ पे जो है ये सामान भी मिलता है, गिटार वगैरह, बाजे वगैरह, इन चीज़ों की भी जो है, और ये पियानो वगैरह हो गए, पियानो हो गए, इस तरफ ये गिटार वगैरह भी हो गए, बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, है यूज़ लेकिन बहुत अच्छी हालत में है, बहुत साफ़ सुथरे होते हैं ना। बच्चों के टॉयज़ वगैरह हो गए, बच्चों के खिलौने वगैरह वो भी यहाँ पे दिखते हैं। ये बच्चों के सारे आइटम हैं, बच्चे वगैरह के लिए भी, सारे ब्रांड न्यू हैं, पैक हैं सब, लेकिन सेकेंड हैंड शॉप में सेकेंड हैंड के तौर पे बेच जा रहे हैं ना। इस तरफ जो है ये सारा बारबेक्यू वालों का सामान है, बारबेक्यू के आइटम होते हैं सारे, देख सकते हैं आप, बारबेक्यू वालों के लिए जो है ना ये सामान, ये भी बारबेक्यू के आइटम है। ये सारा बारबेक्यू वालों का आइटम है, बारबेक्यू के लिए चीज़ें पड़ी हैं। इस तरफ ये हेलमेट वगैरह है बाइक वालों के लिए, ये पोर्शन जो है अपना मछली वालों का सेक्शन है, कि मछली की रॉडें वगैरह रखी हुई है मछली पकड़ने वालों के लिए, ये मछली वालों का जो है सामान है, ये उसकी रॉड के पीछे की मशीनें हैं। ये मछली के कुंडे वगैरह होते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए। इस तरफ ये साइकिलें वगैरह भी हैं, ये भी बिकती हैं, नई पुरानी दोनों बिकती हैं, ये पुरानी है सारी। और इस तरफ जो है स्विमिंग वालों के लिए सामान, के स्विमिंग जो जापान के अंदर शौक़ रखते हैं स्विमिंग का, उनके लिए भी सामान है। ये पिस्तौलें रखी हुई हैं बच्चों की हैं, ये असल वाली नहीं है बच्चों की है, लेकिन ये असल के बिल्कुल करीब होती हैं ना, असल जैसी ही होती हैं। ये गन्ने वगैरह बड़ी बड़ी, लेकिन ये नकली है, असली नहीं है ये। ये शराब है सारी, सारी की सारी शराब की बोतलें हैं,
ये सब शराब की बोतलें हैं, मुख्तलिफ किस्मों की शराब है। ये सब शराब है, आप देख सकते हैं कि अल्लाह पाक इन सबको हिदायत दे। ये शराब के भी बहुत शौकीन है, शराबें भी बहुत पी जाती हैं जापान के अंदर मुख्तलिफ किस्मों की। ये सब शराब है सारी। इस तरफ अगर हम देखेंगे तो ये बैग हैं और इस तरफ जूते हैं मुख्तलिफ किस्मों के। देखें जी शॉपिंग सेंटर है और इस तरह जो है ना इन्होंने लकड़ी से काम किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जापान जापान है भाई, जापान के अंदर जो है सिस्टम है भाई सिस्टम। ये जापान के अंदर जो है ना हम भी नहीं कहलाते हैं 7-Eleven, छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं 24 आवर खुले रहते हैं, इसमें रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे 7-Eleven है, लॉसन है, सनकस है, फैमिली मार्ट है और भी है, बहुत सारे मैं दिखाऊंगा आपको। ये कॉम्बिनी इसका नाम है लॉसन, तो आपने 7-Eleven की देख ली है, लॉसन की भी आप देख लें, मैं आपको फैमिली मार्ट की भी बना के दिखाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता ना। ये जो है पब्लिक टेलीफोन है, जापान में जगह जगह लगे हुए होते हैं इस तरह ना पब्लिक टेलीफोन। इसके अंदर जो है कॉइन्स डलते हैं और कार्ड भी डलता है ना फ़ोन के लिए, लोकल फ़ोन के लिए है ये। ये आप देख सकते हैं ये फैमिली मार्ट है ना, कॉम्बिनी कहते हैं इसको। ये स्टोर हर गली मोहल्ले में जगह जगह बने होते हैं, इसके अंदर जो है ना रोज़मर्रा की ज़रूरियात की जो है ना चीज़ें मिलती हैं और 24 घंटे ये खुला रहता है। तो यहाँ पे फैमिली मार्ट हो गए, लॉसन हो गए, 7-Eleven, सनकिस और अपना और भी बहुत सारे डेली स्टोर, इस टाइप के बहुत सारे स्टोर रोज़ाना के रोज़मर्रा की चीज़ों के मुताबिक यहाँ पे खुले रहते हैं। ये जो है ग्योम सुपर है जापान का ग्रॉसरी स्टोर ना, जब हम लोग जापान में आए थे तो उस वक्त जो है अपने कहते हैं जापान के अंदर जो है ना हलाल चीज़ों की जो है ना बहुत किल्लत थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह 30-32 साल हो गए हैं जापान में और अब जो है ना मुझे आए हुए, तो अब जो है ना जापान के अंदर जापानी स्टोरों के अंदर हलाल का रुझान शुरू हो चुका है। ये सारी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों ने की है, मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कि अब हलाल चीज़ें जो है ना जापानी स्टोरों में भी मिलनी शुरू हो गई हैं। हमने अब ये टोकरी ले ली है, अब टोकरी के अंदर जो है ना अपना थोड़ी ख़रीदारी हम भी करने लगे हैं। तो ये टोकरी है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, तो अंदर चलते हैं सामान ख़रीदते हैं इंशाल्लाह। देख सकते हैं आप कद्दू वगैरह, सेब वगैरह और अपना ऑरेंजेस और उसके साथ जो है अनानास पाइनएप्पल, ये बनाना है देखें आप।
लेमन है, ये कीवीज है, ये आप देख सकते हैं सेब कई किस्म के हैं, तरह तरह के। ये जो है अपना अरवी जिसको बोलते हैं अरवी, और शकरकंदियाँ हैं, तरह तरह की शकरकंदियाँ हैं मुख्तलिफ किस्मों की। आलू हैं बहुत सारे, सब प्याज वगैरह हैं किस्म किस्म के। जापान के अंदर ग्रोसरी शॉपिंग ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, आप देखिए एंजॉय कीजिए। देख सकते हैं आप जो है ना किस्म किस्म की जो है ना फूड थाईलैंड से आती है, मलेशिया से आती है, काफ़ी दुनिया जहाँ से आ रही है फूड। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जैसे कोकोनट आलमंड का जो है, ये आप देखिए इसके ऊपर हलाल का मार्क लगा हुआ है, बाकायदा हलाल जो है अवेलेबल्स हैं चीज़ें ना, पहले नहीं था जापान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है हलाल की जो है ना चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल्स हैं ना, ये प्रोडक्ट ऑफ थाईलैंड है ना। अब जैसे कोकोनट मिल्क है ये भी हलाल है, ये देखें कई किस्म के कोकोनट मिल्क वगैरह हैं, ये भी जो है हलाल है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी हलाल का मार्क लगा हुआ है, ये थाईलैंड से आ रहा है। माशाल्लाह जी कितनी खूबसूरत मछली है, देख सकते हैं अपना चिकन वगैरह भी जो है ना, ये फुल चिकन है, मैं निकालता हूँ यहाँ से, ये देखें आप हलाल, ये होल चिकन है, ब्राज़ील से आ रहा है, ये ब्राज़ील का होल चिकन है, और इतना महंगा भी नहीं है, सही है, 500 का है, पाकिस्तानी 700 रुपये बनते हैं। ये है बोनलेस का चिकन है, ये भी हलाल है, देख सकते हैं आप हलाल का मार्क भी लगे हुए हैं बाकायदा, ये बोनलेस चिकन है जो ब्राज़ील से आता है, और बाकायदा जो है ना ये बिस्किट वगैरह ये भी हलाल हैं सारे। अल्लाह पाक इनको जापान वालों को हिदायत दे, इनको जो है दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में कामयाबी दे, अगर ये प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इनको जन्नतुल फिरदौस में इनको भी जगह अता फरमाएंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि अल्लाह पाक जो है सारे आलम के अंदर सारे इंसानों को हिदायत दे। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएँ, आप ख़ुद भी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।